अबू सुफिया जो कि मक्का का एक बहुत बड़ा लीडर था। मुसलमानों को मक्का से बाहर करने के बाद अबू सुफियान शाम से एक काफिला जिसमें 50,000 सोने के सिक्के और बहुत सारी कीमती चीजें लेकर मक्का की तरफ चला। मक्का पहुंचने के लिए उसे मदीने के पास से गुजरना था और ये इस काफिले के लिए एक बड़ी समस्या थी और मदीना में मुसलमान इस काफिले को रोकने के लिए तैयार बैठे हुए थे। बदर की जंग से एक साल पहले जब मुसलमान हिजरत करके मक्का से मदीना पहुंचे, वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए थे सिवाय उन कपड़ों के जो उन्होंने पहने हुए थे। मक्का वालों ने इनको गुस्सा दिलाने के लिए इनकी सारी चीजें या तो लूट ली थी या फिर जला दी थी और ये वो काफिला था जिसमें मुसलमानों से लूटा गया सामान बेचकर उसके पैसे बनाए गए थे। तो यहाँ पर हम ये समझ लें कि मुसलमान लूट नहीं रहे थे बल्कि अपने से लूटे हुए सामान का बदला ले रहे थे और इसी वजह से अबू सुफियान टेंशन में था क्योंकि वो जानता था अगर वो मदीने के पास से गुजरा तो मुसलमान उसको छोड़ेंगे नहीं। उसने अपना रास्ता बदला और एक कासिद को खत देकर मक्का भेजा। उस खत में मक्का से मदद बुलवाने की गुहार लगाई। वो बंदा जैसे ही काबा के पास पहुंचा तो उसने अपने ऊंट के नाक कान काट दिए और अपने कपड़े फाड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये उस जमाने में उनका इमरजेंसी प्रोटोकॉल था। अबू जहल ने उस आदमी से पूछा कितने लोग होंगे तो उस आदमी ने बताया करीब 300 लोग होंगे। अबू जहल ने कहा कि हम उसके मुकाबले में 1,000 का लश्कर लेकर जाएंगे। अबू सुफियान ने अपने काफले को मेन रास्ते से हटाकर एक दूसरे रास्ते से निकाला और वो मुसलमानों के अटैक से बचकर भागने में कामयाब हुआ। तो इसके बाद लड़ाई करने की कोई वजह नहीं थी। जिस काफले को अबू सुफियान बचाना चाहता था वो ऑलरेडी बच चुका था। अबू जहल ने कहा कि भले काफला बच गया है लेकिन आज हम मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे और इनको सबक सिखा कर रहेंगे, क्योंकि उसे पता था कि मुसलमानों के काफले में कुल 300 लोग हैं और उसने जो जंगी लश्कर भेजा था उसमें 1,000 से ज्यादा लोग थे और वो पूरी तैयारी के साथ वहाँ पहुँचे थे। मोहम्मद साहब ने अपने काफले को बदर के पहले कुएं के पास जाकर पड़ाव डालने का ऑर्डर दिया। एक सहाबी ने उनसे आकर पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या ये जगह आपने मशवरे से चुनी है या फिर अल्लाह ने आपको यहाँ रुकने के लिए कहा है? तो आपने फरमाया कि हमने मशवरे से ये पड़ाव डाला है। उन सहाबी ने मशवरा दिया कि अगर हम आगे जाके पड़ाव डालें जहाँ पर पानी भी ज्यादा है और हम काफिरों को वहाँ के कुओं पर कब्जा करने से रोक सकेंगे। ये मशवरा पैगंबर साहब को बहुत पसंद आया और उसी वजह से उन्होंने पूरे काफिले को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। उस जगह से आगे जाकर दूसरी जगह में पड़ाव डाला। दूसरे दिन जब अबू जहल की फौज मुसलमानों के सामने आई, जो कि मुसलमानों की फौज से 3 गुना बड़ी थी और इधर मुसलमानों के पास लड़ने के हथियार भी नहीं थे, जबकि दुश्मन जंग की पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे थे, एक काफिर उतबा अपने भाई और बेटे के साथ में मैदान में आया। उसने मदीने वालों को चैलेंज किया कि कोई है जो हमसे मुकाबला कर सके। तो मदीना के 3 अंसारी साहबी उनसे लड़ने के लिए उनके सामने आए। उतबा ने कहा, ये कौन है? हमें अपने भाइयों के सर कलम करने हैं जिन्होंने हमारे बाप दादे के दीन को छोड़कर गद्दारी की है। फिर मैदान में 3 लोग आए, हजरत हमजा, हजरत उबैदा और हजरत अली। फिर उन लोगों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई। इस जंग में हजरत उबैदा जख्मी हुए लेकिन उतबा, उसका भाई और उसका बेटा, वो तीनों लोग मारे गए। मुसलमानों को पता था कि दुश्मन के मुकाबले में उनकी फौज बहुत छोटी है, इसीलिए मुसलमानों ने ये तय किया कि हम हमला नहीं करेंगे बल्कि हमले को रोकेंगे अपनी जगह पर खड़े होकर। और इसी के साथ अबू जहल ने अपनी फौज से कहा कि पूरे जोर शोर से हमला करो, क्योंकि उसका ख्याल था कि बस 2 मिनट की जंग है और खत्म करके मुसलमानों को यहाँ से निकलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस जंग में 1 मुसलमान के मुकाबले 5 काफिर मरने लगे और काफिरों की फौज ये देखकर पीछे हटी और वो टेंशन में आ गए कि ये लोग हमसे 3 गुना कम हैं लेकिन फिर भी हम पर भारी कैसे पड़ रहे हैं। उसके बाद मुसलमानों ने घायलों को पीछे किया और जो लोग ठीक थे उन्हें आगे कर दिया। अबू जहल ने दोबारा हमला करने का हुक्म दिया लेकिन फिर से वही हुआ और काफिरों की फौज ये देखकर पीछे हटने लगी, लेकिन इस बार मुसलमान अपनी जगह पर नहीं खड़े रहे बल्कि आगे बढ़कर इन काफिरों पर हमला करना शुरू कर दिया। काफिर इस हमले से इतना घबराए अपनी जान बचाकर वापस मक्का की तरफ भागे और काफिरों की फौज का लीडर अबू जहल मारा गया। उधर मक्का में सारे लोग जीत की यानी फतेह की खबर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पिछले 60 साल में मक्का की फौज को कोई भी बड़ी शिकस्त नहीं हुई थी, लेकिन इस जंग में
मक्का के कुरैश 313 लोगों से हार गए थे। पहले कुछ लोग जब बदर से भागकर मक्का पहुंचे, तो उन पर किसी ने यकीन ही नहीं किया। वो कहने लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जंग हार गए हों। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आ गया कि वो ये जंग और मक्का में अपनी इज्जत हार चुके हैं। मौर्रेहीन लिखते हैं, पहले मक्का के अरब मोहम्मद को एक कमजोर शख्स समझते थे, जिसे उन लोगों ने मक्का से निकाल दिया था और वो दूसरों से मदद मांगते फिर रहे थे। लेकिन इस जंग के बाद मोहम्मद एक बादशाह और आर्मी जनरल की तरह पूरे अरब में मशहूर हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने से 3 गुना बड़ी फौज को धूल चटा कर रख दी थी। मदीने के लोग जब जीत की खबर लेकर वापस मदीना पहुंचे, पूरे मदीने में इस जंग के बाद खुशी मनाई गई। लेकिन जैसे ही मोहम्मद साहब अपने घर पहुंचे, तो उन्हें पता चला उनकी प्यारी बेटी रुकैया कुछ दिन पहले खत्म हो चुकी है। लेकिन मुसलमानों की खुशी को जारी रखने के लिए उन्होंने अपने गम का जिक्र किसी से नहीं किया। लेकिन ये खुशी बहुत लंबी नहीं चल सकती थी। इस बार अबू सुफियान ने पूरे अरब से जंगी लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और 3,000 लोगों की फौज जमा करके मुसलमानों से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी थी।